एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोन परत एवं उसका क्षय, यानी कि ओजोन लेयर पढ़ेंगे और इसका क्षय क्या होगा, इससे नुकसान क्या है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कि ओजोन परत कैसे किसे है। ठीक है, देखो हमारा ये वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल ने हमारी पृथ्वी को ठीक है गैसों के ढेर से पूरे इस पृथ्वी को चारों ओर से एक कंबल की तरह लपेट रखा है। जब आप अंतरिक्ष में जाओगे ना, तब तुमको दिखाई देगा कि यार ये पूरी पृथ्वी एक गैस से घिरी हुई है। ये जो गैस है ये वायुमंडल है। क्या बच्चों? वायुमंडल है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी जो परत है उसे हम लोग सबसे बाहरी, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये पूरा गैसीय फॉर्म है, इसका सबसे बाहरी जो परत है, ये जो परत दिख रहा है ये मान के चलो ओजोन परत है। क्या है? ओजोन परत। ठीक है, बहुत लंबा मोटा सा एक कोहरे का चादर है, ठीक है, जो कि चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, ऐसे में ये जो ओजोन परत है बाबू, ठीक, यह हमारे हमको ठीक है सूरज के हानिकारक किरणों से बचाता है। जैसे कि जो सूर्य है ना, वो अपना प्रकाश में दे रहा है ना सूर्य, सूर्य का प्रकाश हम डायरेक्ट अपने बॉडी पे नहीं लग सकते बच्चों। देखो जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकलता है, जब हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, तो ये जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत ये इन सूरज के जो हानिकारक ठीक है अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं उनको छानता है, छान के शुद्ध प्रकाश हमें देता है। तो ये जो सूर्य प्रकाश हम लेते हैं और हम आपको स्वस्थ महसूस करते हैं, एनर्जी फुल महसूस करते हैं। अगर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा पड़े ना, तो तुरंत हमको त्वचा कैंसर, शरीर पर छाले, खुजली, जलन, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी और कुछ ही दिन में हम मर जाएंगे। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हम सहन नहीं कर सकते। ऐसे में अब ये वो जो परत है, ये जो गैस है, ये किसका बना हुआ है, आइए इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, बना होता है ना। देखो लेकिन जो ओजोन परत है वह O2 नहीं है, O3 है। क्या है? O3। वो ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बना है। समझ में? देखो होता क्या है कि जब सूरज का किरण पड़ता है हमारे वायुमंडल पर, तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो टूट कर अलग अलग हो जाते हैं, उनमें से कोई एक ऑक्सीजन ठीक है O2 से जुड़ कर फिर O3 बना लेता है। क्या बनाता है? O3। जैसे O2 था तो एक और ऑक्सीजन टूटा, ये O2 अगर टूट गया, ये टूट कर अलग अलग हो जाता है, तो इसी में से कोई ये एक O2 से जुड़ कर फिर ये यहाँ पर चला जाता है, O3 बन जाता है। तो ओजोन में O3 ऑक्सीजन के तीन अणु है और ऑक्सीजन के दो अणु है और ओजोन में तीन अणु है। इसका मतलब तीन अणु के ऑक्सीजन के तीन अणु से मिलकर हमारा ओजोन परत बना है। तो बच्चों ये ऑक्सीजन के तीन अणु से मिलकर बना है। ऐसे में ना जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, तो सूर्य के प्रकाश के हानिकारक किरणों को यह छान कर शुद्ध हमें सूर्य का किरण देता है और यह इस सूर्य के किरण से हमें एनर्जी महसूस होती है। खास करके जो पौधे हैं उन पौधों को ऊर्जा मिलती है, यानी कि पौधे भोजन बनाते हैं और पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को हम लेते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा, सूर्य के ऊर्जा जो है पौधों में जाती है, पौधों से हमारे शरीर के अंदर आती है और हमारे शरीर से बैक्टीरिया के शरीर में चली जाती है, वायरस के शरीर में चली जाती है। बैक्टीरिया तो हमें खाते हैं, वायरस भी तो खाते हैं, ऐसे में मेरा ये पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, यानी कि पौधों को शाकाहारी जंतु, शाकाहारी को मांसाहारी जंतु, मांसाहारी को सूक्ष्म जीव खाते हैं। तो खाने के लिए वैसा देखा जाए तो सूर्य की ऊर्जा ही जो है वह एक जीव से दूसरे जीव में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब देखो ओजोन परत में अगर छेद हो जाए तो क्या होगा बाबू? अगर ओजोन तुम्हारे सामने ओजोन परत है ना, अगर वहाँ पर छिद्र हो जाता है ना, ठीक है, प्रदूषण के कारण होता है, अगर छिद्र हो जाए अब क्यों होगा भी बताते हैं। छिद्र जब हो जाएगा ना तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ेगा, तो हमारे त्वचा पर जलन, ठीक है, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर ठीक है चकत्ते बनने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि हमें आ जाओ और त्वचा कैंसर संबंधी बीमारियां हमें झेलनी पड़ेगी। ऐसे में ना देखिए ये है CFC, ये
पार्ट, ठीक है, जो रिफ्रिजरेशन होता है, रिफ्रिजरेशन आपने देखा होगा, जैसे फ्रिज, फ्रिज के अंदर एक गैस भरी जाती है, ठीक है, फ्रिज को रिफ्रिजरेशन बोलते हैं। रिफ्रिजरेशन में यानी कि फ्रिज आता है जो एयर कंडीशन जो ठंडा करता है, एसी भी हो गया देखा जाए एयर कंडीशन, तो उसमें भी गैस भरी जाती है, ये गैस आपको ठंडा महसूस कराता है। जब ये सब चलेगा ना खून से निकलता है, ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ये निकलता है वायु में जाता है, तो ये जब वायु में जाएगा बच्चों तो हमारे मूल परत को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ज़्यादा मात्रा में इसका यूज होगा ना रिफ्रिजरेशन का, तो हमारा ओजोन परत है वो ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश हमें डायरेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, त्वचा कैंसर या अन्य संबंधित बीमारियों को हम लोग झेलना हमें पड़ सकता है। ऐसे में ना तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ मतलब छः में हम यही देखेंगे क्या क्या छः है, त्वचा कैंसर हो सकता है, या हम देख सकते हैं जो आँखों का जो कार्निया होता है ना, आँखों का कार्निया वह नष्ट हो सकता है, क्योंकि कोशिकाएं डेड कर सकती है और धीरे धीरे हमारी आंखों की कार्निया जो है वो पारदर्शी हो जाएंगी, जिससे हमें साफ नहीं दिखाई देगा, आए समझ में। और डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आएगा ना, जिसकी वजह से वर्षा का पैटर्न भी बदल जाएगा, बारिश भी समय समय से नहीं होगी, ठीक है। और अगर किसी जीव पे पड़ता है ये, जीव का जीव जो संरचना है डीएनए का संरचना में बदलाव हो सकता है, जीव संरचना भी बदल सकता है। तो ये इसके क्या है, ये इसके छह है यानी कि नुकसान है वो जो पड़ते छिद्र होने के। तो आई हो, ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया ये जानकारी आपको समझ पाया होगा। देखो बच्चे एक चीज़ और बता दें, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो रीजन है वहाँ पर एक बार, ठीक है ना, उजूर पर्वत में छिद्र हुआ था, ठीक है, छिद्र पाया गया था, ठीक, कहीं कहीं हो भी सकता है, पाया भी जाता है छिद्र, पर ये छिद्र पाया गया, समझ लो वहाँ पर रहने वाले जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए जीव को बचाना है, उजूर पर्वत को, ठीक है, बरकरार रखना है। ऐसे में आई होप मेरे द्वारा दिए गए टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बालूज वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे बालूज भाई मेरा सर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए।